Hello, friends, welcome to Learn with Me. My name is Param. I hope you all are doing well. So, guys, in today's video, we will discuss 5 most important and daily useful idioms and phrases which can be used in our daily conversation. So, guys, if you want to become a fluent English speaker, if you want to speak fluently as well as naturally in English, then you have to learn these idioms. Because without learning these idioms, you cannot speak fluently in English. सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग तो डेली बेसिस पे कितने सारे ऐसे एडियम्स या मुहावरे हैं जो हम यूज़ करते हैं जैसे वो बहुत तेज़ बोलता है वो हवा से बातें करता है उसने तो अपना टेस्ट पास करने के लिए जी जान लगा दी एंड वो लोगों को बाहरी लुक से जज कर लेता है तो ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस या लाइंस हैं जो हम बोलते हैं तो इंग्लिश में इन्हें कैसे बोलेंगे अगर हम इंग्लिश में भी सोचो इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो कितनी फ्लुएंट और नेचुरल हो जाएगी हमारी इंग्लिश हमारी स्पीकिंग सो so, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे ये यह फाइव ईडियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ईडियम है लीव नो स्टोन अनटर्नड लीव नो स्टोन अनटर्नड इसका मतलब होता है डू एवरी थिंग दैट इज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग किसी चीज को हासिल करने के लिए जी जान लगा देना हिंदी में हम बोलते हैं कि उसने जी जान लगा दी इसको करने के लिए जी जान लगा दो लेकिन इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्नड डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग किसी चीज को पाने के लिए जो कर सकते हो वो करो जितनी मेहनत कर सकते हो जो एक्शन तुम कर सकते हो वो करो जी जान लगा दो किसी चीज को पाने के लिए लुक एट द एग्जांपल द डॉक्टर सेड ही विल लीव नो स्टोन अनटर्नड टू फाइंड द क्योर फॉर माई एलनेस डॉक्टर ने कहा कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा हर संभव कोशिश करेगा जी जान लगा देगा मेरी बीमारी की क्योर ढूंढने के लिए क्यों मीन्स इलाज ढूंढने के लिए इल्नेस बीमारी मेरी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर ने कहा कि वो जी जान लगा देगा कोई कसर नहीं छोड़ेगा तो जब आपने बोलना है कि कोई कसर नहीं छोड़ी तब भी आप यूज कर सकते हो लीव नो स्टोन द डॉक्टर सेट ही टू फाइंड अर फॉर माई एलनेस नेक्स्ट इज पुल योर सेल्फ टूगैदर पुल योर सेल्फ टूगेदर इट मीन्स टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड बिहेव इन अ काम वे काम डाउन जब हम किसी को बोलते हैं कि शांत हो जाओ काम डाउन हो जाओ जब किसी से कोई झगड़ा हो जाता है कोई गुस्से हो जाता है या तो फिर किस, कोई इमोशनल हो जाता है तो उस सेंस में आप बोलते हैं कि प्लीज काम डाउन तो जब आपको बोलना है काम डाउन शांत हो जाओ रिलैक्स हो जाओ ये बहुत सिंपल वर्ड्स है तो उनके जगह पे आप बोल सकते हो pull yourself together pull yourself together तो ये idiom है इससे आपकी जो स्पीकिंग है वो नेचुरल हो जाएगी लुक एट द एग्जांपल आई एम गोइंग थ्रू अ मेजर पर्सनल क्राइसिस वेयर आई विल हैव टू पुल माय सेल्फ टुगेदर एंड डू व्हाट हैज टू बी डन मैं बहुत सारे पर्सनल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ पर मैं अपने आप को शांत रखूंगा काम रखूंगा अपने आप को पुल माइ सेल्फ टुगेदर अपने आप को शांत रखूंगा और जो कर सकता हूं वो करूंगा आई एम गोइंग थ्रू अ मेजर पर्सनल क्राइसिस बट आई हैव टू पुल सेल्फ टुगेदर एंड डू इज टू बी डन नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस ब्रेक द आइस इट मींस मेक पीपल फील मोर कम्फर्टेबल किसी को कम्फर्टेबल बनाना किसी से बातचीत स्टार्ट करना ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल होकर बात कर सके जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या फर्स्ट टाइम किसी रिलेटिव को मिलते हैं इंटरव्यू में जाते हैं किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं किसी कोलिग से मिलते हैं तो उस टाइम थोड़ा हेजिटेड फील होता है हमें कि हम बात क्या करें किस बे से स्टार्ट करें अनकंफर्टेबल फील करते हैं हम तो उस सेंस में अपनी चुप्पी को तोड़ना मीन्स बातचीत स्टार्ट करना किसी इंप्रेसिव वे में उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस जैसे हम किसी को कॉफ़ी ऑफर कर देते हैं चाय ऑफर कर देते हैं हम हाँ पूछ लेते हैं वे आर यू फ्रॉम इंटरव्यू में कई बार एग्जामिनर जो इंटरव्यू है वो आपको कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है पूछ लेता है कि आप पानी लोगे कहाँ से हो तो थोड़ा पर्सनली होके आपसे थोड़ा आपको कंफर्टेबल बनाते हैं उस सेंस में तो उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस बातचीत को शुरू करना लुक एट द एग्जाम्पल आई ट्राई टू ब्रेक द आइस बाई ऑफरिंग हर अ ड्रिंक बट शी सेट नो मैंने उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए ड्रिंक ऑफर की बट उसने मना कर दिया आई ट्राई टू ब्रेक द आइस मतलब कंफर्टेबल बनाने की कोशिश मैंने उसे की उसकी चुप्पी तोड़ने की या फिर उसे बातचीत शुरू करने की मैंने कोशिश की बाई ऑफरिंग हर अ ड्रिंक बट शी सेड नो तो इस बे में इसे आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग मींस वेरी बैडिटिव और होपफुल साइड मतलब जब कोई भी बैड सिचुएशन आती है या बुरी सिचुएशन आती है एवरी क्लाउड है भी हम इन्हें ले सकते हैं कि हर एक बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ होपफुल जरूर होता है लेकिन एग्जाम्पल i know that your job is not going well and you are stressed out but don't worry things will be better soon every cloud has a silver lining मुझे पता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो स्ट्रेस रहे हो बट डोंट वरी चिंता मत करो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि हर एक बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है I know that your job is not going well and you are stressed out, but don't worry, things will be better soon. Every cloud has a silver lining. Next one is a stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9. It means fix the problem now because it will get worse later. मतलब कोई भी कंडीशन जब बुरी बनती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है उसको वर्स होने से पहले ज्यादा खराब होने से पहले सिचुएशन को संभाल लेना प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेना उनका पहले ही सॉल्यूशन ढूंढ लेना ताकि आगे जाके वो ज्यादा खराब ना हो तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं आ स्टिच इन टाइम सेवस नाइन मतलब प्रॉब्लम को वर्स बनने से पहले कंडीशन को वर्स होने से पहले ही संभाल लेना उसको ठीक कर लेना लुक एट द एग्जाम्पल रिजोल्व अ स्मॉल प्रॉब्लम ऑन टाइम मे प्रिन्ट अग ट्रबल इट्स लाइक द ओल्ड सेंग अस्टेच इन टाइम सेव्स नाइन मतलब जब प्रॉब्लम कोई शुरू होती है रेज होती है उसको तभी प्रिवेंट कर लेना उसकी मदद से हम आगे आने वाली बिग प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं इट्स लाइक अ ओल्ड सेंग जैसे कि कहा जाता है अस्टेच इन टाइम सेब्स नाइन तो इस वे में आप इस एडियम को डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं सो so गाइस ये थे फाइव ईडियम्स जो कि हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं हिंदी या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में या तो फिर अपनी मदर टंग में तो हम बोलते ही हैं इन मुहावरों को इन ईडियम और फ्रेजेस को बट हम इन्हें इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे वही आज हमने सीखा इन फाइव ईडियम्स को आप लर्न कर सकते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं जब भी आप इन्हें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो स्पीकिंग है आप देखोगे कि वो फ्लुएंट होती जा रही है नेचुरल होती जा रही है सो so, आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट के साथ टिल द टाइम ऑल द बेस्ट गुड लक कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग बाय